गाइस वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। तो आज लाए हैं आपके एक नया व्लॉग और जा रहे हैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहां जा रहे हैं, और बेसिकली हम जा रहे हैं मजनू का टीला। तो मजनू का टीला क्या है, उसको लिटिल तिब्बत ऑफ इंडिया बोला जाता है। कोरियन मार्केट है, काफ़ी सामान मिलता है वहाँ पे शॉपिंग वगैरह का। तो हमने सोचा आज उसको एक्सप्लोर करके आते हैं। और दूसरी चीज़ वहाँ पे है एक सिग्नेचर कैफ़े, उसकी स्पेशलिटी ये बताई जाती है कि सिग्नेचर कैफे से व्यू वगैरह जो है बहुत अच्छा आता है। देखते हैं कैसे है, हम लोगों ने भी रिव्यूज पढ़ा है, अभी वहाँ जाके पता चलेगा सब कुछ कैसा है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक वीडियो देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो फिर से मैं कहूँगी लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको वो जगह कैसी लगी। और अच्छे लगे तो आप लोग भी विजिट करना, घूमना फिरना मस्ती करना हमारी तरह। तो चलिए चलते हैं। गाइज यहाँ पे जो मार्केट का फील है ना, वो आपको डिफरेंट ही आएगा। आपको फील आएगा किसी और, मतलब कहीं डिफरेंट सी जगह पे आए हो आप, दिल्ली में अंदर नहीं हो। पूरा आपको छोटा लिटिल तिब्बत टाइप फील आएगी आपको। कपड़ों का बहुत अच्छा है, सरोजनी टाइप मार्केट है पूरा, कुछ भी ले सकते हो और सब कुछ ना आपको डिफरेंट ही लगेगा। काफ़ी फैशनेबल आइटम्स हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये पीछे आप क्वालिटी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा फर्क ना। ये गाइस नॉर्लिंग गैलरी है, ये मकलौड़गंज में भी है शायद। डिफरेंट आइटम्स हैं यहाँ पे भी। बहुत ही डिफरेंट मार्केट है गाइस, और आपको ना काफ़ी फैशनेबल कपड़े यहाँ पे मिलेंगे। कपड़ों का बहुत, क्लोथिंग का बहुत अच्छा है, और जो भी चीज़ है यहाँ पे रेस्टोरेंट है या कोई भी चीज़ है वो प्रॉपर बहुत ही डिफरेंट उसमें बनाई हुई है। प्रॉपर आपको तिब्बत टाइप का फील आएगा। तो फाइनली गाइस जहाँ हम आए थे सिग्नेचर कैफे, अभी हम लोग वहाँ के लिए जा रहे हैं। तो चलते हैं देखते हैं सिग्नेचर कैफे कैसा है, क्या व्यू है वहाँ का, जो वहाँ के रिव्यू दिए थे जो हमने एक्सप्लोर करा था वो वैसा ही है या नहीं। चलिए चलते हैं। Out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put a word, no fly to mirror. काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे, अगर किसी को इंडोर बैठना है आउटडोर नहीं माना आउटडोर बैठने का तो बैठ सकते। लिटरली गाइस बहुत ही डिफरेंट एम्बियंस है, मिस्ट का प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है, आपको गर्मी का बिल्कुल भी फील नहीं होगा। काफ़ी हाइजीनिक फूड है, और ऐसा एम्बियंस आपको रूफ टॉप दिल्ली में कहीं भी नहीं मिलेगा। Thank you.
गाइस बहुत ही ऑसम व्यू आ रहा है यहाँ पे ना, और इन्होंने मिस्ट वगैरह का प्रॉपर वो अरेंजमेंट किया हुआ है, तो आपको पूरा एसी वाला फील ही आएगा यहाँ पे। बहुत मजा आ रहा है, हंस के निकाल दो पापा को। आपको भी चाहिए? गाइस बहुत ही अच्छी प्लेस है, मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप लोग आओ, बहुत इन्जॉय करोगे यहाँ पे, और रेट्स वगैरह भी बहुत रीजनेबल है। बहुत कूल सी प्लेस है, बहुत डिफरेंट सी प्लेस है दिल्ली में। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप दिल्ली में हो, आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जैसे आप बाहर तिब्बत किसी उसमें आए हो, कंट्री वगैरह में या प्लेस में सिटी में आए हो। और यहाँ की मार्केट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है शॉपिंग वगैरह के लिए, तो मैं तो डेफिनेटली बोलूँगी स्पेशली यंगस्टर्स के लिए ये कैफ़े बहुत अच्छा है। तो अगर आपको डेटिंग पे आना हो या घूमने आना हो या अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी हो, बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, तो बहुत अच्छा कैफ़े है। और यहाँ का व्यू और इतना चिल कैफ़े, इतना कूल कैफ़े बनाया हुआ है, मज़ा आ गया। तो हम दोनों ने, आशीष और मैंने बहुत इन्जॉय करा, इवन अंश ने भी बहुत इन्जॉय करा यहाँ का फूड, खाना भी अच्छा है, सब कुछ हमने जो भी ऑर्डर करा सब बहुत बढ़िया था। तो आप सब आओ, विजिट करो, बहुत ही बेस्ट प्लेस है। मतलब हम लोगों का तो आज दिन बन गया यहाँ आकर, तो मज़ा आ गया। तो गाइस बहुत ही अच्छी जगह है, और जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ही अच्छा निकला है, क्यों ना? बहुत ही अच्छी प्लेस है, बहुत कूल प्लेस है, आप सब आइए यहाँ पे विजिट करिए, बहुत सारे कैफेज हैं यहाँ पे, आके एक्सप्लोर करिए एक बार, तो विजिट बनता है क्योंकि जो सराउंडिंग है, एटमोसफेयर है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेफ और कम्फर्टेबल, आपको बहुत अच्छा फील होगा, और मार्केट वगैरह भी बहुत अच्छा है, मार्केट भी अच्छा है, सब अच्छा है। तो आप लोग आइए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। These past few days, think it's fair to be proud about it. I quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about